हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रेजल वर्ब स्टोरी पार्ट टू। फ्रेजल वर्ब स्टोरी का पार्ट टू ये है। इसमें भी वही करेंगे, कुछ फ्रेजल वर्ब सीखेंगे, उसके सिनोनिम्स सीखेंगे और कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश फंडा का ऐप डाउनलोड करके जल्दी समय नहीं बर्बाद करते हुए लेट्स गेट इन टू द थिक ऑफ थिंग्स। ओके, द फ्रेजल वर्ब फॉर इन फोकस फॉर दिस सेशन इज पुट ऑन। इस सेशन में जो हम सीखेंगे पुट ऑन और इसके सिनोनिम्स भी सीखेंगे, कहानी भी सीखेंगे। देखें, पुट ऑन का सबसे पहला मतलब है पहनना। पुट ऑन का मतलब, टेक ऑफ का मतलब क्या था पिछले वाले में? निकालना, कपड़े उतारना या कोई भी चीज, पहना हुआ चीज को उतारना। यहां पुट ऑन का मतलब है पहनना, सबसे पहला मीनिंग। वेयर, पुट ऑन योर बेस्ट क्लोथ्स फॉर द पार्टी, आपके सबसे अच्छे कपड़े पहनो पार्टी के लिए। अदर फ्रेजल वर्ब्स विद द सेम मीनिंग, ये स्लिप इन टू, स्लिप आउट ऑफ लिखा था उसमें, पुल ऑन एंड थ्रो ऑन एंड चेंज इन टू। थ्रो ऑन को कैसे यूज करते हैं सर? तो ऐसे, थ्रो ऑन योर बेस्ट क्लोथ्स एंड कम विथ मी टू द पार्टी। ठीक है, स्विच ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है स्विच ऑन। स्विच ऑन के हिसाब से भी लिखते हैं पुट ऑन। शैल आई पुट ऑन द लाइट, उसके हिसाब से। स्विच ऑन द लाइट, शैल आई स्विच ऑन द लाइट। शैल आई टर्न ऑन द लाइट, शैल आई टर्न ऑन द लाइट। शैल आई फ्लिक ऑन द लाइट और शैल आई पावर अप द जनरेटर और पावर अप द लाइट्स। ओके, टू द थर्ड वन, तीसरा जो मीनिंग है पुट ऑन का वो है बिहेव डिसेप्टिवली और फेक एन एक्सप्रेशन। धोखा करने के नियत से बिहेव करना, उसको हम लोग बोलते हैं पुट ऑन। माई ब्रदर हैड टू पुट ऑन एन एक्ट ऑफ बींग पोलाइट। पोलाइट तो होना नहीं चाहता है, नहीं चाहता था, लेकिन ही पुट ऑन एन एक्ट, उसने बहाना किया कि जैसे वो बहुत पोलाइट है। बी, सेंटेंस बी देखना, ही पुट ऑन अ सीरियस लुक। He put on a serious look, बहुत serious, गंभीर होने का look उसने लगाया, but I knew he was faking it. लेकिन मुझे पता था कि वो बहाना कर रहा था, fake कर रहा था। He put on a serious look, but I knew he was faking it. Other phrasal verbs with the same meaning, go through the motions. याद रखना, go through the motions का मतलब है बहाना करना, to play act का मतलब भी वही है, और make believe करना, विश्वास दिलाना। तो ये सारे put on का तीसरा meaning है, behave deceptively और फेक एन एक्सप्रेशन। लास्ट में देखना, पुट ऑन का मतलब होता है फोन देना किसी को। देखना, गिव द फोन टू समबडी, ये भी पुट ऑन होता है। प्लीज पुट मिस्टर शर्मा ऑन, आई वांट टू टॉक टू हिम। प्लीज पुट मिस्टर शर्मा ऑन, शर्मा जी को फोन दीजिए, उनसे मुझे बात करनी है। अदर फ्रेजल वर्ब्स विद द सेम मीनिंग, प्लीज हैंड ओवर द फोन टू हिम, आई वांट टू टॉक टू हिम। प्लीज टर्न ओवर द फोन टू हिम, आई वांट टू टॉक टू हिम। तो पुट ऑन का हमने इतनी सारे मीनिंग देख लिए, अब आते हैं इस पे कहानी देखते हैं, एक कहानी पढ़ते हैं, समझते हैं। ओके, और उसके बाद टेस्ट देंगे। अब इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं, पीस एंड क्रिएटिविटी। इसका टाइटल है पीस एंड क्रिएटिविटी। एज ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अमित न्यू ही हैड अ बिजी डे अहेड। आगे आने वाला दिन बिजी डे, बिजी डे अहेड। ही क्विकली पुट ऑन हिज वर्कआउट क्लोथ्स एंड पुल्ड ऑन हिज रनिंग शूज। पुट ऑन हिज वर्कआउट क्लोथ्स एंड पुल्ड ऑन हिज रनिंग शूज। एज ही स्टेप्ड आउटसाइड, ही फेल्ट द चिल इन द एयर एंड थ्रू ऑन हिज जैकेट। जैसे बाहर निकला तो फेल्ट द चिल, ठंडी उसको लगी, तो ही थ्रू ऑन हिज जैकेट, जैकेट पहन लिया। ही वॉज डिटरमाइंड टू स्टार्ट हिज डे ऑफ राइट, दिन को अच्छी शुरुआत करना। स्टार्ट हिज डे ऑफ राइट, स्टार्ट समथिंग ऑफ राइट का मतलब है सही तरीके से शुरू करना। रॉन्ग कर देंगे, स्टार्ट समथिंग ऑफ रॉन्ग का मतलब हो जाएगा गलत तरीके से शुरू करना, राइट का मतलब है सही तरीके से करना। ही वॉज डिटरमाइंड टू स्टार्ट हिज डे ऑफ राइट। After his workout, Amit went back home to change into his work clothes. वापस जाकर के अपने कपड़े बदले, work clothes में चेंज कर लिया। He switched on the TV to catch up on the news while he got dressed. As he left for work, he powered up his phone and went through the motions of checking his emails and messages. Went through the motions मतलब बहुत ज्यादा दिल से नहीं, चलो कर लेते हैं, बहाना बनाना, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं जो है। Go through the motions का मतलब है आधे मन से कोई काम करना, या ऑलमोस्ट बहाने की तरह दिखना कि भाई चलो कर तो रहा हूं लेकिन आई एम नॉट रियली इनटू इट, पूरा दिल नहीं लगा होगा। एट वर्क, अमित हैड टू प्ले एक्ट लाइक एवरीथिंग वाज ओके। जब काम पे गया तो उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं सब चीज ठीक ही है, इवन दो ही वाज फीलिंग ओवरवेल्म्ड विद हिज वर्कलोड। क्यों सब ठीक है ऐसे क्यों दिखा रहा था? क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई काम उसको दबो देगा या दबा देगा या तो उसके ऊपर बह जाएगा। ओवरवेल्म का मतलब है कोई भी फीलिंग्स डुबो, आपको डुबो दे, ओवरवेल्म करना डुबो दे आपको। okay? तो उसको वर्कलोड से लग रहा था कि वो ओवरवेल्म हो जाएगा। ही हैड टू मेक बिलीव दैट ही वॉज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। उसे
उसे खुद को समझाना पड़ा, मेक बिलीव करना पड़ा कि मैं कंट्रोल में सब चीज के हूँ, इवन दो ही फेल्ट लाइक ही वॉज फॉलिंग बिहाइंड। फॉलिंग बिहाइंड का मतलब है सबसे पीछे पड़ रहा हूँ, सबके पीछे चल रहा हूँ। ही हैंडेड ओवर द ऑफिस फोन टू हिज कलीग एंड होप्ड हिज कलीग वुड हैंडल द अर्जेंट मैटर दैट रिक्वायर्ड अमित्स अटेंशन। उसने अपने फोन अपने दोस्त को दिए, ऑफिस के कलीग को दिए, और यह सोचा कि भाई जो अर्जेंट मैटर जिसकी जिसमें कि अमित को बात करनी थी, वो अपना दोस्त उसको अच्छा से हैंडल कर लेगा क्योंकि उसकी मूड उतनी अच्छी। लेटर दैट डे अमित डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क एंड पुट ऑन हिज हेडफोन्स टू लिसन टू सम म्यूजिक। काम से जरा से छुटकारा लेना, छुट्टी लेना, टेक अ ब्रेक फ्रॉम, अगला सेंटेंस देखिएगा। ही क्लोज हिज आईज एंड लेट द म्यूजिक टेक हिम अवे। म्यूजिक उसे कहीं और लेके चला जाए। सडनली ही हैड एन आइडिया फॉर अ स्टोरी एंड स्टार्टेड टू राइट। अचानक उसके दिमाग में आया कि भाई मुझे एक कहानी लिखना है, और लिखना शुरू किया। बट देन हिज कलीग केम एंड टर्न्ड ओवर द ऑफिस फोन टू अमित। लेकिन उसके तब तक में उसका दोस्त आ गया और उसके ही गेव द फोन बैक टू अमित, टर्न्ड ओवर द ऑफिस फोन टू अमित सेइंग द बॉस वांटेड टू टॉक टू हिम। अमित ट्राइड नॉट टू हाइड हिज डिसअपॉइंटमेंट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कंटिन्यू राइटिंग हिज स्टोरी। अमित ने अपने डिसअपॉइंटमेंट को छिपाया कि भाई वो कहानी लिख रहा था, उसको लिख नहीं पाएगा क्योंकि बॉस का कॉल आ गया। फॉर्चुनेटली द कॉल टू द बॉस लास्टेड ओनली अ मोमेंट, एक क्षण का ही था, कुछ ज्यादा देर का नहीं था। ही केप्ट द फोन असाइड एंड स्टार्टेड राइटिंग अगेन। द स्टोरी अनफोल्डेड इन वेज दैट ही हैड नॉट रियलाइज्ड ही वॉज केपेबल ऑफ राइटिंग। स्टोरी लिखते लिखते उसको लगा कि भाई वो इतनी अच्छे से लिख रहा है। स्टोरी अनफोल्डेड दैट ही हैड नॉट रियलाइज्ड, उसको पता भी नहीं था कि वो इतनी अच्छी तरीके से लिख सकता है। एज ही फिनिश द स्टोरी अमित रियलाइज दैट समटाइम्स इट्स अ मोमेंट ऑफ पीस, एक क्षण की शांति, एंड क्वाइट टू अनलीश हिज क्रिएटिविटी। लीश का मतलब होता है लगाम। एक मिनट का पीस और क्वाइट चाहिए ताकि मैं बेलगाम हो पाऊं अपनी क्रिएटिविटी के साथ। ही फेल्ट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड विश्ड दैट पीपल टुक टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट अवे फ्रॉम द कॉन्स्टेंट कंपनी ऑफ द स्मार्टफोन। ही फेल्ट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब है कि कुछ हासिल करने का उसको एहसास हुआ, सेंस ऑफ अचीवमेंट इस अकम्प्लिशमेंट, एंड विश्ड दैट पीपल टुक टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। और ये भी सोचा कि भाई लोगों को कम से कम इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा स्मार्टफोन से बिना लगे हुए, अवे फ्रॉम द कॉन्स्टेंट कंपनी ऑफ द स्मार्टफोन। ये है कहानी पीस एंड क्रिएटिविटी जो हमने पुट ऑन फ्रेजल वर्ब और उसके सिनोनिम से बनाए। और भी कुछ इसमें फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन इसमें लिखा हुआ है, जैसे टेक अ ब्रेक फ्रॉम। तो अभी हमने सीखा पुट ऑन फ्रेजल वर्ब, उसके सिनोनिम्स के ऊपर एक कहानी। इस पे अभी आपको टेस्ट देना है, इंग्लिश फंडा के ऐप को डाउनलोड कर उसमें टेस्ट देना है। और इंग्लिश फंडा में और भी बहुत सारे फ्री मटेरियल हैं जिस पे से आप प्रैक्टिस खूब सारा कर सकते हो, वीडियोस वॉच कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करें अभी, और इस इंग्लिश फंडा चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।